आज एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया है और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो उसी टाइम से मेरा यूट्यूब चैनल हैक चल रहा था। तो हमने अपना यूट्यूब पासवर्ड तो बदल लिया, लेकिन पासवर्ड बदलने से भी यूट्यूब का कुछ बदला नहीं। मेरे बेटे ने मुझे मेरा अकाउंट चेक किया तो उसने कहा कि आपके अकाउंट से अभी भी मैसेजेस जा रहे हैं मम्मी। तो थोड़ा सा डर गई मैं। अब टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे यूट्यूब अकाउंट से मैसेज जा रहे हैं, हालांकि तब से मेरे यूट्यूब अकाउंट में कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है जो मैंने नहीं डाली थी। जो मैं डाल रही हूँ वही वीडियो आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर बाई चांस कभी कोई मुझे ब्लैकमेल करे या मेरे नाम पे गलत फ़ोटो लगाए या कोई गंदी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से अपलोड की जाती है, तो प्लीज़ उस पर मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हैकर का ही काम होगा। और मैं एक अच्छी फैमिली की बहू हूँ, एक अच्छी फैमिली की बेटी हूँ। हम लोगों के संस्कार, हम लोगों की इज्जत हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल से जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइबर के पास जाते हैं। तो ऐसा कोई मैसेज अगर संगीता मेहता ब्लॉग के नाम पर आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल पे आते हैं, या ऐसी कोई वीडियो या ऐसी कोई फ़ोटो आती हैं जो मुझे बदनाम कर सकती है, तो प्लीज़ उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, उसे वाइपर से डिलीट कर दें। और मैसेज अगर आते हैं जैसे हेल्प कर दो करके कुछ ऐसे मैसेज आएंगे तो आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं किसी से हेल्प नहीं मांगती हूँ। मैं अपनी समस्याओं को खुद सुलझाती हूँ। मैं आज तक मेरी एक आदत रही है कि मैं अपनी बात कभी दूसरों तक पहुँचने नहीं देती हूँ। मैंने तो कभी अपने माँ बाप को भी नहीं बताई अपनी समस्या, तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी। लेकिन यह समस्या थोड़े बड़े लेवल की है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मैंने एक मजाक के यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, लेकिन एक 2 बच्चों की माँ, एक हाउसवाइफ को जिसको अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता है, वो यूट्यूब चैनल चला रही है, उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं। एक पहाड़न हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरे 800 सब्सक्राइब हो चुके हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज मैं यूट्यूब चैनल बंद तो नहीं कर सकती। कुछ टाइम से मैं यूट्यूब ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही हूँ या थोड़ा डर जा रही हूँ, मनोबल भी थोड़ा गिर जा रहा कि डालूँ बनाऊँ नहीं बनाऊँ। इसलिए शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद ना हो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर को ना लगे कि ये अब नहीं डाल रही है। पर सच्ची बात तो यही है, जब से मुझे पता चला है कि मेरे यूट्यूब अकाउंट से मैसेज जा रहे हैं लोगों के उसमें, तो तब से थोड़ा पता नहीं उन मैसेज में क्या लिखा होगा। तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप लोगों को लगता कि ये खुद मैसेज कर रही है। हो सकता है मेरे अकाउंट से कोई किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, या मेरे अकाउंट से कोई मुझे ही ब्लैकमेल कर सकता है, या मेरे अकाउंट से किसी के जान में तक आ सकती है बात, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों तक ये बात पहुंचाना है कि जो मेरे वीडियो से, मैं जितना भी बनाऊँगी संस्कारी बहू होने के नाते अच्छे वीडियो ही बनाऊँगी, या मैं ब्लॉगिंग करूँगी, या मैं डांस की वीडियोज़ डालूँगी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। डांस करना एक कला है और घर के कामों के ब्लॉग बनाना भी एक हुनर ही है। हम अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं गंदी वीडियोज़ का भी शेयर नहीं कर सकती, मैं गंदी फ़ोटोज़ का भी शेयर नहीं कर सकती, मैं मैसेज के द्वारा किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। कि हम लोग 2 परिवारों की एक धुरी होते हैं, हम लोग अगर हेल्प मांगते हैं तो खुद जाके अपने मम्मी पापा से मांग सकते हैं, अपने सास ससुर से मांग सकते हैं, अपने भाई बहनों से मांग सकते हैं, सीधे हम यूट्यूब पे किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। लेकिन अगर कोई मांगता है अगर मेरे यूट्यूब के ज़रिए, तो वो हैकर ही करेगा। तो इस पे आपको सतर्क रहना है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ यार, थोड़ा सा मेंटली परेशान हूँ। यूट्यूब पर आना मेरे लिए, सच बताऊँ, बुरा तो नहीं है, यूट्यूब पर आना मेरे लिए अच्छा है। मैं
कुछ सालों पहले माइग्रेन की पेशेंट बनती जा रही थी मैं। सच बताऊँ मैं हंसना भी भूल गई थी। यूट्यूब पे आके जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ, खासकर मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ ना, डांस मेरा बचपन का शौक है। मैं बचपन से बहुत नाचा करती थी, लेकिन शादी के बाद अचानक से बंद हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे एक फैमिली में बन जाते हैं कि हमें सब कुछ देखना होता है। तो आज अगर मैं यूट्यूब के ज़रिए डांस कर रही हूँ, ब्लॉगिंग बना रही हूँ, तो ये मेरे हंसने का रीज़न बन जा रहा है। और पता है मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं इसमें। मेंटली जो हम परेशान रहते हैं ना, अक्सर हम एक ब्लॉगिंग बनाते हैं या एक वीडियोस बनाते हैं तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, कि हमें लगता है कि हाँ यार हम भी कुछ कर सकते हैं, और अगर सामने वाले हमको सपोर्ट करते हैं तो तब तो फिर लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बेकार नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत पढ़ाई की, पर मैं कहीं लग नहीं पाई। तकदीर में शायद नहीं होगा मेरा। मैंने बहुत बड़े ग्राम पंचायत अधिकारी से लेकर समूह तक के सारे टेस्ट दिए हैं, पर मैं किसी में कामयाब नहीं हो पाई। मैं आखिरी में एक हाउस वाइफ बन के ही रह गई। यूट्यूब पर आके अंदर से अलग सी ताकत आती है जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए बनाती हूँ। लेकिन ये हैकर ने परेशान कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल हैक करके, थोड़ी डिमोटिवेट हो रही हूँ। और क्या कहूँ इससे ज़्यादा, थोड़ा सा मन इतना भारी है ना, बोलने को भी मन नहीं कर रहा। अगर रोने बैठूँगी ना बोल भी नहीं पाऊँगी फिर। क्या यार, क्या सोचता है इंसान और हो क्या जाता है, ये तो सोच से भी परे है। एक अच्छी एक दो बच्चों की माँ एक अच्छा खासा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हो, और आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हो, आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब, जिसको पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन ये बीच में टांग अड़ाने के लिए फिर कोई और टपक जाते हैं, तो लगता है कि नहीं हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बनाती रहूँगी। हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ना हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो चलन है जो आजकल हो रहा है उससे थोड़ा डर भी लगता है ना। एक महिला हूँ और वीडियोस बनाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि कल अगर मुझे कहीं जवाब देना पड़ेगा तो मैं ये वीडियो दिखा सकती हूँ कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाया था, मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था। क्योंकि हम महिलाएँ हैं, हमें हर कदम पर अपनी परीक्षा देनी होती है, सवाल खड़े करने के लिए घर से लेके बाहर तक लाइन लग जाती है, किसी को सम्मान और इज्जत कमाने के लिए कई सालों लग जाते हैं, लेकिन वही इज्जत को गंवाने के लिए एक वीडियो ही काफ़ी होता है। तो प्लीज़ मेरी जैसी उन महिलाओं की मदद करना जिनका यूट्यूब चैनल हैक हुआ है। अगर कभी भी हमारे नाम पे कोई मैसेज कोई वीडियोस वायरल होती हैं तो प्लीज़ उसे वायरल होने से बचा लेना। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ ताकि आगे चल के मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है आगे चल के ये लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को बंद करने की पूरी कोशिश करें। और मेरा तो यूट्यूब से भी यही गुजारिश है, आप इतने बड़े यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पूरा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग तो बहुत छोटे गाँव से, बहुत छोटे शहर से, बहुत छोटे लोग हैं सर। हम लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं होती यूट्यूब चैनल के बारे में, लेकिन यूट्यूब को भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि कुछ हेल्प वो भी कर दें उन लोगों का जिन लोगों का चैनल हैक होता है। हैक होता कैसे है मुझे आज तक पता नहीं चला, हमारी खुद की गलती की वजह से होता है या सामने वाला खुद करता है। जो भी है यार, बहुत गलत है, बहुत बुरा है। अगर मुझे तो ये भी नहीं पता हैकर अपना करीबी कोई है या बाहर का कोई है, पर तो जो भी है मेरे भाई, किसी महिला का यूट्यूब चैनल हैक मत करना यार। एक महिला ना दो फैमिलियों को जोड़ के रखती है, और अगर दो फैमिलियों को जोड़ने वाली एक महिला बदनाम होती है ना, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसके सपने तो टूटते हैं ही, उसके बच्चे उसकी फैमिली सब बिखर जाता है। प्लीज़ किसी को बिखरने मत दो यार, उसे कभी भी बिखरने मत दो, किसी का बिखरने का कारण मत बनो।
जिन्होंने भी मेरा चैनल हैक किया हुआ है ना, अगर वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते रहे तो कुछ टाइम बाद मुझे अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक यार, कब तक मैं वीडियोस बनाते रहूँगी और कब तक संभालूँगी। शायद मुझे लगा था कि यूट्यूब लॉकडाउन में मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, मैंने और मेरी फैमिली ने, हम लोग, मैंने मेरी फैमिली को लॉकडाउन में रुपये रुपये के लिए मोहताज होते हुए देखा है, मैंने मेरे बच्चों को पैसों पैसों के लिए तरसते देखा है लॉकडाउन में। तो मैंने सोचा कि मैं भी घर बैठे कुछ ज़िंदगी में इतना कुछ कर दिया है मैंने, अगर मैंने अपने पति की कभी हेल्प नहीं की तो यूट्यूब चैनल घर बैठे बैठे घर के कामों के साथ साथ हम लोग बना सकते हैं, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है, जिसमें हम अपने विचार रख सकते हैं, जिसमें समाज हमको सपोर्ट करता है, समझता है, जहाँ ना ही सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ना ही यहाँ आरक्षण लागू है, कुछ भी ऐसा नहीं है यूट्यूब पे, जिस चीज जिन परेशानियों से हम झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पर क्या, मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी हैकरों की नज़र रहती है। यार क्या मिल जाता है आपको किसी का चैनल हैक करके, मत किया करो ना ऐसा। मेरे बहुत सपने जुड़ गए यूट्यूब से, मैंने भी सोचा कि मैं मेरे यूट्यूब को आसमान तक ले जाऊंगी, इतनी मेहनत करूंगी यूट्यूब चैनल के लिए कि मैं भी पैसे कमाऊंगी, अपने पति की मदद करूंगी। पर मैं गलत साबित हो गई, मेरा चैनल 500 सब्सक्राइब होने से पहले ही हैक हो गया। नसीब इसी को कहते हैं ना, कि जिसको कुछ मिलना नहीं होता है वो भी उसको कहीं से कुछ मिल ही नहीं सकता है। क्यों, कितना हाथ पैर मारो, कितना आगे बढ़ने की कोशिश करो, पीछे खींचने वाले तो मिल ही जाते हैं हर मोड़ पे। ये बहुत बुरा मोमेंट होता है इंसान को तोड़ने के लिए। एक माइग्रेन के पेशेंट रही हूँ मैं हर बात को बड़ा चढ़ा के सोचने वाली महिला हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आके मैं हंस खिलखिला के हंसना सीख गई थी, दूसरों की मन की बातें समझना सीख गई थी, दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना सीख गई थी। अब बंद करूँगी ना यूट्यूब चैनल तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो जो भी है यार, तू घर का है, बाहर का है, जो भी है, तो जिसने मेरा चैनल हैक किया है, प्लीज़ मेरे चैनल से दूर चले जा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को मेरे हाथ पे छोड़ दे, आज नहीं तो कल मेरा चैनल तरक्की की ओर चला जाएगा, आज नहीं तो कल मेरे चैनल को मजबूती मिल जाएगी। बस तू मेरे चैनल को छोड़ दे यार, मेरे भाई, तू जो भी है, मेरे चैनल से कोई ऐसे मैसेज मत भेजना किसी को, मेरे चैनल से कोई ऐसे वीडियो अपलोड मत करना किसी को जिससे कि मेरा घर बर्बाद हो जाए, जिससे कि मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, जिससे कि मेरे मायका, मेरा ससुराल, मेरे संस्कार सब झूठे निकले। प्लीज़ मत करना मेरे भाई, जो भी है तू, जहाँ का भी है तू, कुछ भी कर, बस मेरे चैनल से दूर रह। हाथ जोड़ के विनती है यार, एक माँ की हाय लगेगी तुझे, एक टूटी हुई महिला की हाय लगेगी तुझे अगर तू मेरे चैनल छोड़ के नहीं जाएगा तो। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, मैंने ज़िंदगी में कामयाब होने के बहुत बड़े बड़े सपने देखे, पर अगर तूने मेरे चैनल से कोई ऐसी चीज़ ली की, ऐसी चीज़ अपलोड की मेरे चैनल के नाम पर, संगीता मेहता ब्लॉग के नाम पर, जिससे मेरे चरित्र पर उंगली उठे, मेरे परिवार वालों पर बात आए, तो मेरी बदुआ तुझे ज़रूर लगेगी। तू किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होगा जैसे मैं नहीं हो पाई हूँ, तो मुझे बर्बाद करने का सोचना भी मत, जो भी है। मैंने इतनी सारी बातें बोली है इस वीडियो में, प्लीज़ आप लोग पूरा देखें, समझें मेरी मनोस्थिति को, समझें मेरी परिस्थिति को, समझें और मुझे सपोर्ट करें।